फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट है, इसे पोथोस भी कहते हैं। इसे मैंने अपने टेरेस गार्डन पे रखा है। यहाँ बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है जिसके कारण इसकी पत्तियाँ काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, कुछ पत्तियाँ इसकी जल चुकी हैं। तो इस तरह से इनको कट करके निकाल देना चाहिए। वैसे तो आपके किसी भी पौधे में पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, उन्हें कट करके निकालते रहना चाहिए जिससे हमारा पौधा और अच्छा ग्रोथ हो उसका। और मनी प्लांट कभी भी आप लगाएं तो फ्रेंड्स, इसको ऊपर को चढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट लगाएं, नीचे को कभी लटका कर ना रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से गुडलक और धन का पौधा माना गया है। तो जितना ये ऊपर को जाता है बहुत ही अच्छा माना गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने मनी प्लांट को लगाएं। ये मैंने डाली कट करके लगाई है, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी। और इसे पानी में लगा देने के बाद इसमें यहाँ से रूट आ जाती है। उसके बाद आप चाहें तो इसे मिट्टी में भी शिफ्ट करें। फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट हमारे घर के लिए गुड लक लेकर आता है और एक तरह से धन का पौधा माना गया है। माता लक्ष्मी का वास होता है इसमें। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसमें कटिंग्स लगाई थी और इस तरह से ये रूट आ चुकी हैं। बहुत ही आसानी से इसमें रूट आ जाती हैं। अगर आप पानी में कुछ दिनों के लिए लगा करके रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आसानी से उसमें रूट आ जाती हैं। नीचे जब पानी में जितना एरिया डालना है उतना पत्ती हटा देना चाहिए, तभी आसानी से इसमें रूट आती हैं और सही तरीके से पौधा लग जाता है। अभी से मैं इस बोतल में लगा दे रही हूँ। और वैसे मैंने इस जगह पे दो तीन ही पौधे रखे हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे बोतल में लगा रखे हैं। और इस तरह से इसको भी लगा दूंगी तो इसमें भी नीचे से रूट आ जाएगी। और जो पत्ती इसकी ख़राब है, मिट्टी पानी में दबाना है, इतना इसे कट करके निकाल देंगे, तभी इसे पानी में डालेंगे और आसानी से इसमें कुछ दिनों बाद रूट आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने पहले से लगा रखा है। और ये मेरे केचप की बोतल है जो कि पेंट करके मैंने लगाया है। इसमें बहुत अच्छी रूट आ चुकी है। ये देखिए, इस तरह से मैं ये पौधों को लगा करके अपने कलेक्शन बना करके रखती हूँ। मुझे पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल भी पौधे को वेस्ट नहीं करती हूँ, एक भी ब्रांच नहीं फेंकती हूँ, इधर उधर शिफ्ट करती रहती हूँ। इसी तरह से देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छी रूट आ गई है। फ्रेंड्स, जब भी आप पौधे लगाएं तो उसकी देखभाल ज़रूर करते रहें, क्योंकि हमें पौधे की देखभाल नहीं करने से पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो पौधे के शौकीन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा पौधा ख़राब हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पौधा हमारा बढ़ता रहता है। इसकी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं पोथोस की। मेरे पास ये डार्क ग्रीन और वेरीगेटेड पत्तियों वाला ये मनी प्लांट है। ये हमारे लिए एक तरह से गुड लक का काम करता है और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में हमें ये देता है। तो इसलिए इसे जगह जगह पे लगा करके ज़रूर रखें। मैंने कई सारे लगा करके रखे हैं, लेकिन इस जगह पे मैंने बस दो तीन ही पौधे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी अब रूट आ जाएगी कुछ दिनों बाद, फिर इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसी तरह से आप मोन्स्टेरा को भी पानी में आसानी से लगा सकते हैं। तो ये मेरा पोथोस आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और शेयर भी करें। इसी तरह से आप भी अपने यहाँ पौधों को एक से दो, दो से तीन ऐसे करते रहें। थैंक्स, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।